दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनी मैटर्स में। जैसा कि मैंने आपका वादा किया था कि मैं एक पार्ट और लेके आऊंगा जॉब्स के बाद घर पे पहुंच के करने वाले जॉब्स का, तो उन्हीं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर आपके लिए मैं 10 जॉब्स ऐसे लेके आया हूँ जो कि आप अपने जॉब के करने के बाद आके भी कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाने से लेके AMC लेने से, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, LIC एजेंट इत्यादि बनने का बताया था। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे जॉब बताऊंगा कि जो आपको पसंद आएंगे। तो अगर इसमें मैंने जब लास्ट पहले पिछली बार मैंने किया था लैपटॉप और मोबाइल एजेंट जो रिपेयरिंग का किया था, तो वो उसके बाद अब जो नेक्स्ट मैं आपको जॉब बताने जा रहा हूँ तो वो आपका है रियल एस्टेट एजेंट बनना। रियल एस्टेट एजेंट, अगर आपकी बहुत आप जानते होंगे आज के डेट में बहुत सारे लोग जमीन सर्च करते हैं, खरीदते हैं, खरीदना चाहते हैं, पर उनको सही से मिल नहीं रहा है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो जिनका लोगों से मिलना जुलना बहुत ज्यादा है, या फिर आपको लगता है कि कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है, तो उसमें आप बीच में अपने एक एजेंट बन सकते हैं, उनको बीच में मिलवा सकते हैं मीडिएटर बन के, और इसमें अच्छा खासा 1 से 2% दोनों तरफ से 1-2% का कमीशन मिल जाता है। और अगर आपकी डील अच्छी पहुंच जाती है तो महीने में आप जो है 60-70 हजार रुपये तो आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपने 4-6 डीलें महीने में कर दी, अगर आपने एक डील भी कर दी तो 5-10 हजार रुपये तो आपका कहीं नहीं गया। तो रियल एस्टेट एजेंट बन के आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं एक बताता हूँ कि जब आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी कोई फूड फेयर वगैरह लगता होगा या फिर कोई मेला वगैरह लगता होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज को आप भूल जाइए। जब अगर आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा, कोई भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, तो इस चीज को आप भूलते हुए आप उन मेले वगैरह में आप एक स्टॉल अपना बुक कर सकते हैं, और उस स्टॉल में मोमोज, चाट या मंचूरियंस वगैरह इस तरीके से जो फास्ट फूड है, या मैं आपको बता देता हूँ अभी मेरा रिसेंटली ट्रिप था वैष्णो देवी का, वहां मैंने देखा आपको मैगी भी आपको बना के बेच रहे हैं 10 रुपए के पैकेट, आपको जब बना के वो सर्व कर रहे हैं 40 रुपए में कर रहे हैं, और लोग बड़ी आसानी से बोला इजिली वो बिक रहा है और आसान बढ़िया पसंद भी कर रहे हैं उस चीज को। तो इन चीजों को आप चाहे तो उसमें कुछ अपना इनोवेशन डाल दीजिए और आप अच्छा फूड स्टॉल लगा के मेले वगैरह में इत्यादि में, फिर जब देखते होंगे कहीं पे आपका जो कुछ मेले ऐसे होते हैं कि, या फिर मतलब जो शनिवार शुक्रवार को जैसे हनुमान जी का मंदिर हो गया या शनिदेव का मंदिर हो गया जो मंगलवार या शनिवार को इसी तरीके से होते हैं, तो इस टाइम पे आप अच्छा खासा पैसा वहां से कमा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो अगर आपके पास में अगर इनोवेशन है तो आप किसी का घर किराए पे ले सकते हैं, उस घर को पूरे घर को आप किराए पे लेके उसको PG में कन्वर्ट कर दीजिए। साथ में ही आप अगर चाहो तो उन मतलब ये गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, या फिर आप अपने हिसाब से उसको फर्दर आप रेंट पे चढ़ा सकते हैं। तो ये भी काम आजकल बहुत तेजी से हो रहा है, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें एक ब्रोकर का काम भी कर सकते हैं। आप अपना ऑफिस खोल लीजिए जो कि आपका अपने जॉब के टाइम पे भी चलता रहेगा, और जॉब के बाद भी आके आप वहां पे फिजिकली बैठ सकते हैं, और आपके पास जो भी रूम्स वगैरह होंगे आप उनकी लिस्ट रखिए, आप बीच में ब्रोकर का काम कीजिए, किसी को रूम दिलाना है तो उसमें भी 2-1.5 हजार रुपये आपको इजिली मिल जाता है। तो ये काम भी बहुत अच्छा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये भी एक उसी टाइप का है जैसा कि जी मैंने आपको पहले मोबाइल और उसका रिपेयरिंग का बताया था। तो ये एक ऐसा का जॉब है जो जिसको आप अगर चाहें तो महीने दो महीने की अगर आप खुद भी ट्रेनिंग ले लें, जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, इस तरीके से तबला हो गया, तो ये आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उसके बाद आप इनके ट्यूटर बन सकते हैं। ये ट्यूटर बनने में आपको कोई ज्यादा नहीं है, आपके पास अगर 4-6 इंस्ट्रूमेंट अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो आप अच्छी क्लास घर पे चला सकते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में भी आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, योगा या फिजियोथेरेपी आप सीख लीजिए, 1-2 महीने कोई कोर्स कर लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए किसी संस्था से अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो सर्टिफिकेट योगा ट्रेनर या फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, फिजियोथेरेपी सिखा सकते हैं, मतलब जो आप एक नॉर्मल होती है आप कर सकते हैं। और पर ये आपको ध्यान रखना है कि फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन अपने आपको बताना है, क्योंकि फिजियोथेरेपी की तो पूरी डिग्री होती है, इसको करने के लिए 4 साल का कोर्स है, और वो अगर आप कर रख सकते हैं तो करिए, कोई अच्छी बात है, पर आप योगा ट्रेनर तो बन ही सकते हैं, और इसमें योगा ट्रेनर में भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, कोई समस्या नहीं होती है। अभी अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके पास में घर पे काफी थोड़ी बहुत जगह है, अगर आपके आसपास में कुछ स्कूल्स, कॉलेज या हॉस्टल्स वगैरह है, तो आप अपने घर में एक लॉन्ड्री खोल सकते हैं। लॉन्ड्री में आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद कुछ कपड़े नहीं धोने, आज की डेट में सब कुछ ऑटोमेटिक आ रखा है। आप एक लॉन्ड्री अपनी बनाइए, इसमें 3 से 4 आप वॉशिंग मशीन रखिए, ड्रायर रखिए, सब कुछ होता है, और आप इवन
आजकल तो ऐसा आ रहा है कि अगर आपको सिर्फ एक लेबर रखना है जो कि आपको कपड़े को प्रेस कर देगा, तो इस तरीके से आप एक लॉन्ड्री चला सकते हैं घर में। और जो स्कूल्स वगैरह के स्कूल के बच्चे हैं या फिर हॉस्टल वगैरह के बच्चे हैं, वो आपको मतलब पैसे अच्छे कैसे दे देंगे। एक एक कपड़े पे आज की डेट में 5 से 10 रुपए बड़े आसानी से मिल जाता है। अगर और ये भी एक अच्छा अर्निंग सोर्स हो सकता है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट जो होता है जोमेटो, उबर और क्या बोलते हैं, इसी तरीके से और भी जो फूड चेन्स हैं, इनमें अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से आप जो आपका टाइम है, अपना टाइम वहां बता के उस हिसाब से आप डिलीवरी बॉय भी बन सकते हैं इनका। और कोई, मैं एक बात और आपको बता दिया, शर्म किसी भी जॉब में करने में नहीं है। अगर आप डिलीवरी बॉय बनते हैं, आप अपने जॉब से आने के बाद उसके बाद नाइट शिफ्ट कर सकते हैं इसमें, या फिर आप दो शिफ्ट, दो या चार डिलीवरी कर दीजिए। पैसे के बहुत अच्छे हैं, अगर महीने में आप अगर पर डे अगर 4 डिलीवरी करते हैं तो ठीक ठाक पैसा आपको मिल जाता है। और ये भी एक पार्ट टाइम जॉब है, इसमें सिर्फ आपको चाहिए एक बाइक और एक लाइसेंस चाहिए, जिसको जो कि आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको सीख सकते हैं। काफी कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर आप उसमें जाए यूडमी वगैरह में, तो उसमें आपको ये कोर्सेज मिल जाते हैं। इसमें होता है एंड्रॉयड एप्स वगैरह बनाना, और उसका बढ़िया इंटरफेस दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, जिनको इन चीजों की टेक्निक्स अच्छी तरीके से आती है, तो वो अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई समस्या नहीं आएगी। और आप ये अगर एक ऐप बना के देते हैं तो बड़े आसानी से आप 5 से 10 हजार रुपये चार्ज कर सकते हैं। मार्केट में तो बहुत सस्ते सस्ते लोग गेटवे बना देते हैं। इसी के साथ में भी अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं इसमें, तो आप वेब डिजाइनिंग सीख लीजिए। आप उसको एंड्रॉयड ऐप के साथ में अगर वेब ऐप पेज भी बना के देंगे तो ये उसके लिए और भी अच्छी चीज होगी, और आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। तो इस और यही मैंने आपको बता रहा था, ये जो है एंड्रॉयड ऐप और वेब मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग का भी 2-3 महीने का कोर्स होता है। डिजिटल मार्केटिंग करके आप अगर जो क्या बोलते हैं, इससे जुड़ा भी व्यापार कर सकते हैं। काफी कुछ अवेलेबल है मार्केट में के अंदर में। तो ये जो मेरी नेक्स्ट सीरीज में था, मुझे आपको 10 जॉब्स मैंने और बताए थे। ये जॉब्स ऐसे हैं जो अपनी जॉब के साथ में आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं इसको, और अगर आप बेरोजगार हैं तो उनके, तो एक बार फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को कम से कम अपने ऐसे दोस्तों मित्रों के पास अवश्य पहुंचाइए जिनको पैसे की आवश्यकता है, या फिर स्टूडेंट्स वगैरह है वो भी इस जॉब को कर सकते हैं। और इन जॉब्स को करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत भी नहीं होती है। कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिसके लिए स्किल्स की जरूरत है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज इसको जो है लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरे को मोटिवेट कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अवश्य बनाऊंगा और बनाता रहूंगा। मेरे पास आइडियाज आएंगे मैं आपको बताऊंगा, और आपके पास भी अगर कोई आइडियाज है तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में करके मेरे को बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।